निकायै ॐ। या चण्डी मधुकैटभादि दैत्यदलनी या महिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिशुम्भ निशुम्भ दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ॐ बन्धुककुसुमाभासां पञ्चमुण्डाधिवासिनीं स्फुरच्चन्द्रकलारत्नमुकुटां मुण्डमालिनीं त्रिनेत्रां रक्तवसनां पीनोन्नतघटस्तनीं पुस्तकं चाक्षमालां च वरं चाभयकङ्क्रमात् दधदीं संस्मरे नित्यम् उत्तरां नायमानिताम् दधदीं संस्मरे नित्यम् उत्तरां नायमानिताम् कालीं रत्ननिबद्धनूपुरलसत्पादाम्बुजामिष्टदां काञ्चीरत्नदुकूलहारललितां नीलां त्रिनेत्रोज्ज्वलां शूलाद्यस्त्रसहस्रमण्डितभुजामुद्वक्त्रपीनस्तनीं आबद्धामृतरश्मिरत्नमुकुटां वन्दे महेशप्रियाम् आबद्धामृतरश्मिरत्नमुकुटां वन्दे महेशप्रियाम् मध्ये सुधाभिधिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराङ्कनकभूषणमाल्लशोभां देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां देवीं भजामि श्री श्री चंडी पाठेर विधि। संयत व्यक्ति प्रातःकाले स्नानान्ते सन्ध्या ओ आह्निकादि नित्यकर्म समापन पूर्वक उत्तर मुखे बा पूर्व मुखे शुद्धासने उपवेशन करे भक्ति भरे ओ एकाग्र चित्ते विशुद्ध उच्चारण और अर्थबोध सहकारे श्री श्री चंडी पाठ करबें। पुस्तक ना देखे कंठस्थ चंडीर विशुद्ध भावे वाचनी सर्वोत्तम। अक्षम होले आधारे पुस्तक स्थापन करे पूजान्ते नाति उच्च नाति मृदुस्वरे नाति द्रुत नाति विलम्बित बेगे अर्थबोध सह एकाग्र चित्ते भक्ति भावे पठनी प्रशस्त। प्रत्येक चरित्र पाठेर पूर्वे सेई चरित्रे ध्यान मंत्र पाठ ओ सेई मूर्ति ध्यान करते हबे। प्रत्येक अध्यायेर आदिते ओ अन्ते घंटा बादन करते हय। मंगलवार ओ शनिवार एई दुई देवी बारे
চণ্ডীপাঠ প্রশস্ত। দেবী তিথি অর্থাৎ অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশীতে চণ্ডীপাঠ বিশেষ কল্যাণপ্রদ। নিত্য সমগ্র শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠে অসমর্থ হলে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও একাদশ অধ্যায়োক্ত চারটি দেবী স্তোত্র পাঠ করা বিধেয়। যতক্ষণ একটি অধ্যায় শেষ না হয় ততক্ষণ পাঠ বন্ধ করা উচিত নয়। মনে মনে পাঠ করা অপেক্ষা উচ্চারণপূর্বক পাঠ করা উত্তম চণ্ডী পাঠকের লক্ষণ। যিনি গান করে চণ্ডী পাঠ করেন, যিনি দ্রুত পাঠ করেন, পাঠ করতে করতে যার মাথা কাঁপে, হস্তলিখিত চণ্ডী যিনি পাঠ করেন, যিনি চণ্ডীর অর্থজ্ঞ নন এবং যাঁর গলার স্বর অল্প, এই ছয়জন চণ্ডী পাঠক অধম। রাত্রিকালে চণ্ডী পাঠ নিষিদ্ধ, সেজন্য দুর্গাপূজা, কালী পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার সময় দিনের বেলায় চণ্ডী পাঠ করা হয়। কারো কারো মতে রাত্রিসূক্ত পাঠের পরে রাত্রিতেও চণ্ডী পাঠ করা যায়। ওম নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায় কর্তৃভ্যো বংশ ঋষিভ্যো নমো গুরুভ্যো ওম ব্রহ্মণে নমঃ। ওম সহনাভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বেষাবহৈ। ওম শান্তি 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 হরিঃ। ওম রাত্রি ব্যাখ্যদায়তে পুরুত্রা দেব্যম অক্ষভীম বিশ্বা অধিশ্রিয়োধিতম ওর্ব প্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যো উদ্বতঃ জ্যোতিষা বাধতে তমঃ নিরুস্বসারমসৎকৃতোষসম দেব্যায়তে অপেদুহাসতে তমঃ সানো অদ্যয়স্যাবয়ং নিতেয়ামন্ন বিক্ষ্মহে বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ নিগ্রামাসো অবেক্ষত নিপদমন্তো নিপক্ষিণ নিশ্যেনাশ্চিদর্থিন যাবয়াবৃক্য অমৃকৈয়বয়স্তেন মূর্ম্যে অথানঃ সুতরাভব উপমাপেপি সত্তম কৃষ্ণম ব্যক্তমস্থিত উষর্ণেব যাতয়া উপতেগা ইবাকরম বৃণীষ্ব দুহিতর্দিব রাত্রস্তোমন্ন জিজ্ঞুষে স্তোষ্যামি প্রয়াত দেবীং শরণ্যাম বহুভৃচ প্রিয়াম সহস্রসংবিদাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম। সহনাভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বেষাবহৈ। ওম শান্তি 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 হরিঃ। ওম অহম রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈ অহম মিত্রাবরুণো ভাবিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিনো ভাব অহং সোমমাহনসম বিভর্ম্যহন ত্বষ্টারমুতপূষণম ভগম অহং দধামি দ্রবিণম হবিষ্মদে সুপ্রাব্যে। হে হে যজমানায় শুন্মতে অহং রাষ্ট্রে সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষে প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম
तामा देव्या व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीम् मयासो अन्नमत्यो विपश्यति यः प्राणिति य एं शृणोत्युक्तम् अमन्त वोमान्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवन्दे वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमिदं ब्रह्माणन्तमृषिन्तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषरवेहन्तवाहो अहं जनाय समदं कृणोम्यहन्द्या वा पृथिवी आविवेशम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्ममयो निरप्स्व अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वतामुद्यां वर्ष्मनोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्यैतावदीमहिना सम्बभूव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तु ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। मधुकैटभ विध्वंसी विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर निर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। निशुम्भ शुम्भ निर्णाशी त्रैलोक्यशुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्तरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापरणे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुबद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं युद्धे
जयंती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निकृष्ट चरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दामं दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्त्यनुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तारिणी दुर्गसंसार सागरस्याचलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर सप्तशतीं समाराध्य परमाप्नोति दुर्लभम् इति अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्। ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद् विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिद् अपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन ताय यथावन् निमन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीणेन महादेवेन कीणितं यो निष्कीणां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः स सिद्धः सगणःसोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवापाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरेत् स ततन्नरः हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतो मूं महादेव कृतं कीलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः इति कीलकस्तवः समाप्तः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमङ्गलोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीम् यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः
श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहार प्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवतां दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौवेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्धं ब्रह्माणी मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहनां जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिताम् शिखां मे दोतनी रक्षेद् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च ध्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिकां शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृता बाला जुह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिकां घण्टिकाञ्चित्रघण्टा च महामायाच्च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे ललितां नलकूवरी स्कन्धयोखड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेदूरु मे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानु माधवनायिका गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादाङ्गुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्री च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या
सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणीं प्राणापानौ तथा व्यानं उदानं च समानगं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभनां रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भक्तिं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमंकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानम् वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं देव्यास्तु कवचेनैवमरक्षिततनुः सुधीः पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृताः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराख्येचराश्चैव कूलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा मालां डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवा ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगंधर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेनावृतो हि यः मानोन्नतिर्भवेद्राग्नस्तेजो वृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपसमुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकीं देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं नहि लभते परमं स्थानम् शिवेन समतां रजेत लभते परमं स्थानं शिवेन समतां रजेत इति मार्कण्डेय पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं
देव्याकवचं संपूर्णम् ओम नमश्चंडिकायै ओम नमश्चंडिकायै ओम ग्रीवायां मधुसूदनोस्य शिरसि श्रीनीलकंठस्थितः श्रीदेवी गिरिजा ललाटफलके वक्षस्थले शारदा षड्वक्त्रो मणिबंध संदिशु तथा नागास्तु पार्श्वस्थिताः कर्णौ यस्य तु चाश्विनौ स भगवान् सिंहो ममास्त्विष्टदः यन्नेत्रे शशिभास्करौ वसुकुलं दन्तेषु यस्य स्थितं जिह्वायां वरुणस्तु हुंकृतिर्यं श्रीचर्चिका चंडिका गंडौ यक्षयमौ तथौष्ठयुगलं संध्याद्वयं पृष्ठके वज्रीयस्य विराजते स भगवान् सिंहो ममास्त्विष्टदः ग्रीवासन्धिषु सप्तविंशतिमितान् वृक्षाणि साध्यार्हिदि प्रौढानिर्घृणता तमोऽस्य तु महाक्रौर्यै समाः पूतनाः प्राणे यस्य तु मातरः पितृकुलं यस्यास्त्यपानात्मकम् रूपे श्रीकमलाकचेषु विमला ते स्यूरवे रश्मयः रूपे श्रीकमलाकचेषु विमला ते स्यूरवे रश्मयः इति देवी पुराणे देवी वाहनसिंहध्यानं समापतम्।